ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना करते। दोस्तों, पिछली वीडियो में श्री राम आदि पुरुष क्यों कहलाए ये बताने के बाद इस वीडियो में आदि पुरुष के मायने क्या होने वाले हैं इस पे बात करेंगे। दोस्तों, अत्रि को राक्षसों से मुक्ति दिलाने के बाद वे दंडकारण्य क्षेत्र में चले गए। दंडकारण्य मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका मतलब है दंडक प्लस अरण्य। दंडक वन है। ये प्राचीन भारत का एक ऐसा क्षेत्र था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक करीब 320 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक लगभग 480 किलोमीटर है। दंडकारण्य का सामान्य अर्थ दंड देने वाला जंगल होना चाहिए। लोगों द्वारा कहा जाता है कि ये जंगल कई भयानक जंतुओं और देश निकाला दिए गए लोगों का घर था। ये परंपरा आज भी कायम है। आज भी ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों को देश निकाला दिया गया है। खूबसूरती, संसाधनों और आदिवासी संस्कृति से सराबोर होने के बावजूद ये जंगल माओवाद प्रभावित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इन जंगलों में गोंड जैसे आदिवासी समुदाय रहते हैं और पहले भी जब श्री राम यहाँ रहने आए थे तो आदिवासियों की बहुलता थी। यहाँ श्री राम आदिवासियों को बाणासुर के अत्याचार से मुक्त कराने के बाद वे 10 वर्षों तक आदिवासियों के बीच में ही रहे। यहाँ पर उनकी जटायु से मुलाकात हुई थी, जो उनका मित्र था। जब रावण सीता को हरण करके ले गया था, तब सीता की खोज करने में श्री राम का पहला सामना शबरी से हुआ था। इसके बाद वानर जाति के हनुमान और सुग्रीव से उनका सामना हुआ था। दोस्तों, इसी जंगल क्षेत्र में रहकर श्री राम ने अखंड भारत के सभी दलितों को अपना बनाया और उनको श्रेष्ठ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा दी। भारतीय राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक सहित नेपाल, लाओस, कंपूचिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड आदि देशों की लोक संस्कृति व ग्रंथों में आज भी श्री राम इसीलिए जिंदा है। श्री राम ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धार्मिक आधार पर संपूर्ण अखंड भारत के दलित और आदिवासियों को एकजुट कर दिया था। इस संपूर्ण क्षेत्र के आदिवासियों में श्री राम और हनुमान को सबसे ज्यादा पूजनीय इसलिए भी माना जाता है क्योंकि उन्होंने उन्हें जीने का आशय समझाया। लेकिन ब्रिटिश काल में ईसाइयों ने भारत के इसी हिस्से में धर्म बदलने का आंदोलन चलाया और श्रीराम को दलितों से काटने के लिए सभी तरह की साजिश की, जो आज भी जारी है। लेकिन कई लोगों का ये मानना था कि श्रीराम भगवान नहीं, सामान्य पुरुष है जिन पर फिल्म बनाना बेवकूफी है। तो जब भी कोई अवतार जन्म लेता है तो उसके कुछ चिन्ह या लक्षण होते हैं और उसके अवतार होने की गवाही देने वाला कोई होता है। श्री राम ने जब जन्म लिया तो उनके चरणों में कमल के फूल अंकित थे, जैसा कि श्री कृष्ण के चरणों में थे। श्री राम के साथ हनुमान जैसा सर्वशक्तिमान देव का होना इस बात की सूचना देता है कि श्री राम भगवान थे। दोस्तों, रावण जैसा विद्वान और मायावी क्या एक सामान्य पुरुष के हाथों मारा जा सकता है? इन सबको छोड़ भी दें तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने इस बात की पुष्टि की है कि श्री राम सामान्य पुरुष नहीं, भगवान है, और वो भी विष्णु के अवतार। और ये पहले राजा थे जिन्होंने हिंदू धर्म की स्थापना की, जिन्होंने हिंदू धर्म की नींव रखी। वैसे तो श्री राम के काल में कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता था। भगवान किसी जाति वर्ग के नहीं होते और ना ही वे मनुष्य जाति में भेद करते हैं। दोस्तों, रामायण काल में जातिगत जो भिन्नता थी वो मनुष्यों के रंग, रूप और आकार को लेकर थी। जैसे वानर, ऋक्ष, रक्ष और किरात जातियां मनुष्य से भिन्न थी। केवट, शबरी, जटायु, सुग्रीव और संपाति आदि से राम के संबंध दर्शाते हैं कि उस काल में ऐसी कोई जातिगत भावना नहीं थी जो आज हमें देखने को मिलती है। हनुमान जी के गुरु मतंग ऋषि आज की जातिगत व्यवस्था अनुसार तो दलित ही कहलाएंगे। दोस्तों, श्री राम ने 14 वर्ष वन में रहकर भारत भर में भ्रमण कर भारतीय आदिवासी, जनजाति, पहाड़ी और समुद्री लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया। यही कारण रहा है कि श्री राम जब रावण से युद्ध किए तो सभी तरह की वनवासी और आदिवासी जातियों ने श्री राम का साथ दिया, जिसकी वजह से श्री राम को आदि पुरुष कहा जाने लगा। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि श्री राम द्वारा जल समाधि लेने की घटना को हिंदू दलितों का धर्म बदलने वाले आलोचकों ने आत्महत्या करना बताया। जी हाँ,
मध्य काल में ऐसे बहुत से साधु हुए जिन्होंने जिंदा रहते हुए सभी के सामने धीरे धीरे देह छोड़ दिया और फिर उनकी समाधि बनाई गई। राजस्थान के महान संत बाबा रामदेव यानी रामपीर ने जिंदा समाधि ले ली थी, तो क्या हम ये कहें कि उन्होंने आत्महत्या यानी सुसाइड कर लिया? दोस्तों, अयोध्या आगमन के बाद श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभाला और इसके बाद गुरु वशिष्ठ व ब्रह्मा ने उनको संसार से मुक्त हो जाने का आदेश दे दिया। एक घटना के बाद उन्होंने जल समाधि ले ली थी। दोस्तों, सरयू नदी में श्री राम ने जल समाधि ले ली थी। रामायण की कथा में सरयू अयोध्या से होकर बहती है, जिसे दशरथ की राजधानी और श्री राम की जन्मभूमि माना जाता है। सरयू नदी अन्य नाम जैसे घाघरा, सरजू, शारदा हिमालय से निकलकर उत्तरी भारत के गंगा मैदान में बहने वाली नदी है, जो बलिया और छपरा के बीच में गंगा में मिल जाती है। सरयू नदी की प्रमुख सहायक नदी राप्ती है, जो इसमें उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहज नामक स्थान पर मिलती है। इस क्षेत्र का प्रमुख नगर गोरखपुर इसी राप्ती नदी के तट पर स्थित है और राप्ती तंत्र की अन्य नदियां आमी, जानवी इत्यादि हैं, जिनका जल अंततः सरयू में जाता है। दोस्तों, बाराबंकी, बहराम घाट, बहराइच, सीतापुर, गोंडा, फैजाबाद, अयोध्या, टांडा, राजे सुल्तानपुर, दोहरी घाट, बनियादी शहर इस नदी के तट पर स्थित है। अश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या से सजे फैजाबाद शहर के सरयू किनारे जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया। श्री राम ने सभी की उपस्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी की ओर वो चल दिए। उनके पीछे उनके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति भी थे। ओम का उच्चारण करते हुए वे सरयू के जल में एक एक पग आगे बढ़ते गए और जल उनके हृदय और बाकी अंगों को छूता हुआ सिर के ऊपर चला गया। दोस्तों, यमराज ये जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान न तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और न शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन हुआ क्या कि यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान श्री राम के पास आ पहुंचे। भगवान श्री राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है मुझे। भगवान श्री राम ने यमराज को पहले अपने कमरे में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी और आपकी बात खत्म ना हो, उस बीच उस कक्ष में कोई भी ना आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई इस बीच आ जाता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। भगवान श्री राम ने यमराज की बात मान ली और ये सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी हैं, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर लगा दिया। दोस्तों, हुआ क्या कि यमराज जी और राम जी की बात अभी चल ही रही थी, उसी समय अचानक दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और श्री राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान श्री राम अभी यमराज जी के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए कोई उनके कक्ष में नहीं आए, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा कर लीजिए। दोस्तों, ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट करने का शाप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उनकी जनता का है, इसीलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। दोस्तों, भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान हो गए और परेशान भी हो गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा कि ये जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तो मेरे कक्ष में क्यों आए हो? क्या ऐसा कारण आन पड़ा तुम्हें? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी तुरंत मिलना चाहते हैं, उनके हट के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा। श्री राम जी यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। श्री राम जी ने यमराज से कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड दीजिए। भगवान श्री राम अपने वचन से मजबूर थे। श्री राम जी सोच में थे कि अपने प्राणों से भी प्रिय भाई को कैसे मृत्यु दंड दिया जाए। दोस्तों, श्री राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय पर बातचीत की तो गुरु ने ये कहा कि अपनों का त्याग मृत्यु दंड के समान होता है, इसीलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए, ये उनके लिए मृत्यु दंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो यूं भी मैं मर ही जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए उचित यही है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं।
लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इस तरह श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों और कर्तव्यों का पालन किया। ये एक और कारण था जो श्री राम को आदि पुरुष बनाता है। इसीलिए कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ऐसे ही कुछ और रहस्यों को लेकर ओम राउत अपनी फिल्म आदि पुरुष में हम सभी को ये कहानी बता सकते हैं। 12 जनवरी को दुनिया भर में रिलीज होने वाली इस बहुप्रतीक्षित महाकाव्य फिल्म में कृति सेनन सीता की भूमिका निभा रही हैं, सैफ अली खान रावण की भूमिका निभा रहे हैं और सनी सिंह लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। आदि पुरुष टी सीरीज भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और ओम राउत प्रसाद सुतार और रेट्रोफाइल्स के राजेश नायर द्वारा निर्मित है और 12 जनवरी 2023 को रिलीज होगी। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और जाते जाते इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।